अस्सलाम वालेकुम। आज हम 5 क्लास की इस्लामियात का क्विक रिव्यू करते हैं। इसको हम देखते हैं जो जो इसके अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ होंगे अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम्स, इसमें से वही करते हैं। बाकी के पूरे पूरे टॉपिक रीड ना भी करें आप लोग, जो मैं अंडरलाइन करूँगी वो रीड कर लेंगे तो वो भी बहुत फ़ायदेमंद होगा आप लोगों के लिए। अच्छा, ये देखिए कि सूरह फातिहा का दूसरे कौन कौन से नाम है कुरान मजीद में, ये याद कर लेने। नेक्स्ट देखते हैं, अच्छा ये देखने कि ये भी याद कर लेने कि कुरान मजीद में आखिरत के और कौन से नाम है, ये पूछा जा सकता है। इधर से ये सूरत का नेम याद कर लेना है कि किस सूरत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी कहा गया। ये जब आप लोग रीड कर लेंगे ना चैप्टर ऊपर से, तो ये बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, ये सॉल्व हो जाएंगे एमसीक्यूज। अच्छा, ज़कात का, ज़कात का एक आधा एमसीक्यूज लाजमी आ जाता है। ज़कात के मसारिफ याद कर लेने, ज़कात के 8 मसारिफ हैं। ज़कात का मायने क्या है और कितने सोने और चांदी पे ज़कात लागू होती है, ये इधर लिखा हुआ है, दोनों ये याद कर लेना है। और ये देखें कि ज़कात इस्लाम का कौन सा रुकन है, तीसरा रुकन है, ये याद कर लेना है। ज़कात का जिक्र किस सूरत में आया है, ये देखें इधर लिखे हुए सूरत का नेम याद कर लेना है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें से जब आप लोग ये चैप्टर थोड़ा जो जो मैंने निशान लगाए हैं वो भी रीड कर लोगे तो ये एमसीक्यूज हो जाएंगे। अच्छा, ये नमाज जुमा की अहमियत के याद कर लेनी है। और ये देखेंगे, ये तो नॉर्मल सबको पता ही होता है, बट जो बुक में लिखा हुआ है वो तो अच्छे से आप लोगों एक बार देख लें ताकि कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। जुमे के दिन किस सूरत की तिलावत करना बहुत अफजल है, ये याद कर लेनी है सूरत का नेम। ये देखें इधर भी पूछी हुई है, ईदैन। अच्छा, रोज़ा रखना किस मौके पे मना फरमाया गया है, ये इधर से देख लेना। और ये ईद कब मनाई जाती है, ये याद कर लेने, इधर से ये याद कर लेना। ये दो पॉइंट्स इधर से ये हो गए। नेक्स्ट देखते हैं, ओके बस वो दो ही पॉइंट थे। अच्छा, ये आप लोगों ने कमेंट्स करने के, ईद की नमाज बाजुमात नमाज अदा करके की जाती है, कितनी रिकात होती है इसकी। ओके, ये आप लोगों का काम है। ये देखिए आप लोग, वो आप सल्लम कहाँ से सफ़र स्टार्ट किया था, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सर फिर आसमान की तरफ सैर की, ये याद कर लेना। अच्छा, मोस्ट इम्पोर्टेंट तो ये वाला पॉइंट है, पहले आसमान पे, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे, छठे, सातवें पे, ये जो जो नबी मिलते गए इनके नेम याद कर लेने। आंखों की ठंडक किसको कहा गया, नमाज को, ये याद कर लेना। ये न्यू बुक है पंजाब टेक्स्ट बुक, जो अब न्यू चेंज हो गया है, ये इस्लामियात की वो वाली बुक है। हज कब फ़र्ज हुआ, बैत के मायने क्या हैं, अच्छा ये चैप्टर पूरा रीड कर लेना ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी और फिर एमसीक्यूज़ गलत भी नहीं होंगे इससे। ये चैप्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको रीड कर लेना। हिजरत मदीना कब पेश आई,
लेकिन नबूवत के 13 साल बाद हिजरत का मायने क्या है? ये हिजरत वाला भी पूरा रीड कर लेना, बहुत अच्छा चैप्टर है और इम्पोर्टेंट भी है। वक्त ये भी, और इसका ये तो साल याद कर लेना, 13वें साल हिजरत के 13वें साल। वक्त का मायने भाई भाई, ये चैप्टर भी रीड कर लेना अच्छे से। मस्जिद नबवी, दो यतीम बच्चों से ली थी जगह आप सल्लम ने, उन दोनों बच्चों के नेम याद कर लेने। और नेक्स्ट देखते हैं जी, इसमें से क्या करने वाला है। ये MCQs तो कर लेने हैं रीड आप लोगों ने खुद से, जब आप लोग चैप्टर रीड कर लोगे तो MCQs रीड हो जाते हैं। मिसाक मदीना, अभी देखें मस्जिद नबवी मवाखात मदीना था और मिसाक मदीना, ये तीन चैप्टर हो गए। ये तीन चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये आप लोगों ने अच्छे से कर लेना है। जैसे कि ये देखें, ये इधर वाला ये कर लेना, ठीक है। ये किस डेट को पेश है ये याद कर लेना, उनको तो अच्छे से रीड कर लेना। ये तो बहुत सारे पेपर्स में रिपीट भी होते हैं। अब ये देखें गजवा और सीरिया कि में क्या डिफरेंस है। गजवा वो होता है जिसमें आपसे सलम ने शिरकत की थी, सीरिया वो होता है जिसमें आपसे सलम ने शिरकत नहीं की थी बट आपने काफ़िले भेजे थे जंग के लिए। सबसे पहला गजवात की तादाद कितनी है? 27 है, ये याद कर लेना, जिनका जिक्र कुरान मजीद में है, जिनमें आपसे सलम ने शिरकत की थी, जो आपसे सलम की ज़िंदगी में हुई थी। पहला क्या था? गजवा बदर था। गजवा बदर में, गजवा बदर कब हुई ये देखें, गजवा बदर 17 रमज़ान 2 हिजरी को हुई। अच्छा नेक्स्ट ये देख लेना है कि कितने किस, ये तो मस्त याद कर लेना, यह गजवा 17 रमज़ान मुबारक 2 हिजरी को हुआ। मुसलमानों की तादाद कितनी थी और काफिलों की तादाद कितनी थी, और इसको कुरान मजीद में अलफुरकान कहा गया। ये आप लोगों ने पूरा कंप्लीट याद कर लेना है। गजवा बदर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गजवा ओहद भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओहद के मायने क्या हैं, पहाड़ के हैं, तो ये भी याद कर लेना है अच्छे से। गजवा ओहद, गजवा बदर, ये जितना भी द टॉपिक गिवन है। गजवा खंदक ये भी याद कर लेना है। खंदक खोदने का मशहूर आप हज़रत सलमान फारसी ने दिए थे। ये तीनों के तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये देखें एक ही पेज है, तो कितना टाइम लगेगा आप लोगों को याद करने के लिए, जस्ट थोड़ा सा, तो ये आप लोग अच्छे से याद कर लेना। रवादारी के मायने याद कर लेने हैं इधर से जस्ट। ये इतना चैप्टर इम्पोर्टेंट नहीं भी है बट आप लोग एक बार ऐसे नज़र से देख लेंगे ना कि भाई कौन कौन सा चीज़ इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। बट इधर से नहीं करना कुछ भी। अच्छा ये देखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट, इधर पूछा होगा कि हज़रत हमज़ा की शहादत किस कस्बे में हुई। ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि आप लोगों ने बताना है कि कौन से कस्बे में हुई। इधर से भी अच्छे से इनकी मीनिंग याद कर लेने हैं, ठीक है। ये पूरा चैप्टर नहीं रीड करना है। इस्लामिया खुद वाला भी इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है, बस वो जो तीनों गजवात हैं उनको तो अच्छे से रीड कर लेना, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट थे। हज़रत दाऊद, ये भी चैप्टर इम्पोर्टेंट है, इसको भी रीड कर लेना है। इसलिए मैं बोल देती हूँ कि चैप्टर इम्पोर्टेंट है कि एक सीक्वेंस के साथ ये चैप्टर लिखा हुआ है ना, कि इसने पहले क्या किया, इसके मौजूद क्या थे, ये सारा कुछ। तो अब मैं इसके अंदर से अंडरलाइन कर दूँ कि ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो जस्ट आप लोग वो देख लेंगे। तो आप लोग ये देखेंगे एक या दो पेज के चैप्टर हैं, 5 क्लास की इस्लामियत है, तो आप लोगों को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा हर एक एग्ज़ाम के लिए। ये एजुकेटर्स के लिए नहीं है, ये हर एक एग्ज़ाम के लिए बेनिफिट होगी आप लोगों के लिए। हज़रत ईसा मरियम के बेटे थे, कौन से इलाके में थे ये देखें। जब आप लोग इसको एक सीक्वेंस के साथ पढ़ेंगे, इसके मौजूद पढ़ेंगे, तो आप लोगों का अच्छे से याद आ जाएगा। हज़रत ईसा का लकब क्या था? कलीमुल्ला, रूहुल्ला, दो लकब थे। तो
अब मैं अब आपको बता दूं कि जस्ट ये याद कर लें तो नहीं, आप लोगों ने ईसा और दाऊद वाला पूरे के पूरे दोनों चैप्टर रीड कर लेने हैं अच्छे से। अली मुर्तज़ा कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें से, अब ये आप लोग नोट करेंगे कितने पेज हैं, 1 से 2, ज़्यादा नहीं है ठीक है। तो इनको तो अच्छे से रीड कर लें, 3 चैप्टर्स हो गए हैं, तीनों को अच्छे से रीड करें। इनमें से भी MCQs पूछे जा सकते हैं। हज़रत दाता गंज बख्श है जवेरी कौन से इलाके में से थे, कब पैदा हुए, किस स्टेट का पैदा हुए, तो ये अच्छे से रीड कर लें इनको भी। ये इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर नहीं है, जस्ट इससे ऊपर वाला इम्पोर्टेंट चैप्टर था, वो रीड कर लेना आप लोगों ने, इसको बस देख लेना था। बुक ये इधर ख़त्म हो गई है, नेक्स्ट हम 6th क्लास की इस्लामियात करेंगे, जो न्यू एडिशन आया है उसका वो वाला।